हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, उनके सब्जेक्ट मीडियम। यानी जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई सी भी आपके पास सब्जेक्ट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एनी अदर आपके पास सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि मीडियम कौन सा लेना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, क्या ग्रेजुएशन के अंदर मीडियम का फ़र्क पड़ता है इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, कौन सा मीडियम हमारे लिए सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करना चाहते हैं, जॉब या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी, या फिर आगे आप अपनी पीजी कंटिन्यू करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी आपकी ग्रेजुएशन की मीडियम। इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है ग्रेजुएशन के पेपर्स में, उसमें भी कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही, थोड़ा सा मार्किंग में आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा मीडियम की वजह से। तो इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए कौन सा मीडियम सही रहेगा, इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर हिंदी मीडियम से। लेकिन उससे पहले आप ये एक चीज़ कंफर्म कर लो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना मीडियम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश। मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं ग्रेजुएशन के अंदर या 11th 12th क्लास के अंदर, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी हिंदी मीडियम के अंदर नहीं जाते। तो इसका एक मेन बेनिफिट ये है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है मीडियम के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम में। तो ये चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी लास्ट में, तब तक मैं केवल इतना अभी आपको बता देती हूँ कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने मीडियम चेंज करते हैं और उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट मीडियम होता है, इंग्लिश में ही उन्हें सारी चीज़ें पढ़नी होती है। अब तक वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए आए थे, तो वो मीडियम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा मत सोचिएगा। आप कर सकते हो यदि आप हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में मीडियम के बारे में। तो देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो, तो ग्रेजुएशन का जो आपका मीडियम है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। चाहे बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, ग्रेजुएशन में आपका कोई सा भी मीडियम हो, जॉब में आपका मीडियम की कोई वो नहीं है, बस आपके पास उस जॉब से रिलेटेड स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करें जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको मीडियम में दिक्कत है, और उसमें भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती हैं, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में ही होता है, स्पेशली साइंस और कॉमर्स की सभी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम के अंदर ही मिलेगा। हिंदी मीडियम तो मुश्किल से ही यदि कोई कॉलेज खुद से पढ़ा देता है तो वो अलग बात है, वरना सारे जो पीजी के कोर्सेज होते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होते हैं। तो जब भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उन्हें फिर मीडियम में उस वक्त दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। बाकी जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो सेम बात है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, क्योंकि कोई भी आप पेपर दोगे गवर्नमेंट जॉब का तो वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज के अंदर आता है, तो आप किसी भी मीडियम से हो आप उस पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये थे आपके ग्रेजुएशन के बाद जो आपके मीडियम की डिपेंडेंसी होती है आपकी जॉब और पोस्ट ग्रेजुएशन पे, उन पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर ही आपका मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो साइंस में भी मैथ्स और बायो दोनों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों अवेलेबल रहता है,
कुछ लोगों को तो यही कन्फ्यूज़न होता रहता है कि ग्रेजुएशन में क्या हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। तो ग्रेजुएशन में आपके दोनों मीडियम्स हैं, इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले आपको दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से कॉलेज में ओनली इंग्लिश मीडियम ही वो प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं होता, या फिर ओनली हिंदी मीडियम में आपको स्टडी करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं। बहुत कुछ ही कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच चलता है। जैसे मैंने अपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैचेस हैं। सेम टीचर्स इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं इंग्लिश में और हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं। तो साइंस का मैंने आपको बता ही दिया कि मैथ्स और बायो दोनों में आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स एक इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है। वैसे तो जो मेरा कॉलेज था उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों के अलग अलग के बैचेस थे, लेकिन कॉमर्स देखा जाए तो एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इसमें इंग्लिश के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वही ज़्यादा फ़ायदे में हैं यदि कॉमर्स में आपके पास सब्जेक्ट है तो। क्योंकि जो कॉमर्स में वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती है, वो सब इंग्लिश की टर्म्स है और एम कॉम तो हिंदी मीडियम के अंदर होता ही नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स बी कॉम करते हैं, ग्रेजुएशन में कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं, तो उनका जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो फिर वहाँ यदि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए ग्रेजुएशन में यदि आप कॉमर्स चूज़ करते हैं एज ए बी कॉम आपका जो कोर्स है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश मीडियम ही लेना चाहिए बजाय हिंदी मीडियम के। नाउ कॉमर्स के बाद अब मैं बात करूँ आर्ट्स की, तो ग्रेजुएशन के अंदर आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। आर्ट्स में मोस्टली आपके हिंदी मीडियम के टीचर्स ही अवेलेबल रहते हैं जो आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वो जो छोटे मोटे टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको आपको इंग्लिश में बता दे कि हाँ इसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है, तो उस वर्ड को आप इंग्लिश में याद कर लो। लेकिन आर्ट्स में जो आपके एक्सप्लेनेशन वगैरह, थ्योरी वगैरह जो भी आपको समझाते हैं टीचर्स, तो वो आपको मोस्टली हिंदी में ही समझा पाएंगे। इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होता आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसे हम डायरेक्ट इंग्लिश में ना समझकर हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए आर्ट्स में मोस्टली सभी जगह आपको हिंदी मीडियम ही देखने को मिलेगा। बाकी कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को खुद को मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो आपको पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं सभी कॉलेजेस की बात नहीं कर रही, मोस्टली कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। वहाँ पर जो आपको आर्ट्स में टीचर्स देखने को मिलेंगे वो आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे और आपको ही उनके इंग्लिश मीनिंग्स, इंग्लिश टर्म्स जो होती हैं वो सर्च करनी होगी या उनसे पूछना होगा कि इसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इस टर्म का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। इस तरीके से आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है बजाय हिंदी मीडियम वालों को। बाकी यदि आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट है और आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपके कॉलेज में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स अवेलेबल है, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ा देते हैं। वरना आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, तीनों का मीडियम के हिसाब से आपकी जो ग्रेजुएशन की स्टडी होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ग्रेजुएशन के बाद की स्टडी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मीडियम का किस तरीके से फ़र्क होता है आपकी जो भी आप स्टडी करते हैं उसके अंदर। अब मैं बात करूँ पेपर के, यानी जब हम एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं तो उसमें भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में फ़र्क आ ही जाता है। वो कैसे, मैंने नोटिस करी है ये बात, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के मार्क्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, या फिर उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। अब ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इस बात को आपको एक छोटे से मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। देखो, जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था तो हमारे कॉलेज से 5 गर्ल्स ने टॉप 10 के अंदर नेम आया था उनका, जिनमें से मेरी भी रैंक आई थी 5th रैंक इन माय यूनिवर्सिटी। तो हम 5 लड़कियाँ थी, हम 5ों ही इंग्लिश मीडियम बैच से थी, जिसमें से एक का फर्स्ट रैंक आया था, एक का सेकंड रैंक आया था और मेरा 5th रैंक आया था, फिर मेरे पास 6th और 7th रैंक। इस तरीके से टॉप 10 के अंदर हम 5 गर्ल्स थी और हम 5ों ही इंग्लिश मीडियम बैच से थी। तो मतलब जो कॉलेज में टॉपर्स थे वो हम 5 इंग्लिश मीडियम बैच के थे। अब ये मैं फर्स्ट ईयर की बात बता रही हूँ मेरे रिज़ल्ट की। अब इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हिंदी मीडियम बैच के अंदर भी काफ़ी सारी इंटेलिजेंट गर्ल्स थी,
थे, शायद मैं कह सकूँ कि मुझसे भी अच्छे, लेकिन उनमें से किसी की रैंक क्यों नहीं आई, उनको उस लेवल पे मार्क्स क्यों नहीं मिल पाए। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कमी करी हो, लेकिन मेरा मन ये कह रहा था कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैंने अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में नोटिस करी। अब क्योंकि मैंने तो उनका रिज़ल्ट देखा है, उनके जो टेस्ट होते थे उसमें उनके मार्क्स दिखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। अपने जो हमारे कॉलेज के टेस्ट होते थे उनमें उनके भी फुल मार्क्स आते थे, तो फिर जब यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ तो वहाँ उनकी रैंक क्यों नहीं आई, या फिर वहाँ वो उस लेवल तक क्यों नहीं आ पाए जिस लेवल पर हमारे मार्क्स आए थे। उनमें से कोई टॉप 10 के अंदर क्यों नहीं आ पाया हिंदी मीडियम बैच में, ऐसे उनको इतने मार्क्स क्यों नहीं मिल पाए, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में उस वक्त बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो ये चीज़ें मैंने उस वक्त नोटिस करी, और तो शायद तब से ही मेरी अंदर ये थिंकिंग बन गई कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अब ये ओनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रखा है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, ये ओनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूँ तो सेकंड एग्जांपल है आपका, जैसे 10th और 12th बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं वो भी मोस्टली इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट्स होते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में बहुत कम ही देखा होगा आपने टॉपर जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के ही देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से भी ये चीज़ मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बाकी यदि आप अच्छे से अपनी नोटबुक प्रेजेंट करते हैं एग्ज़ाम में, अच्छे से आंसर लिखते हैं, कंप्लीट आंसर विद गुड हैंड राइटिंग गुड प्रेजेंटेशन, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यही 3-4 पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के। कंप्लीट आंसर लिखो गुड हैंड राइटिंग के साथ गुड प्रेजेंटेशन के साथ, सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा नया जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इस पर आपको कॉलेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज का, और कॉलेज स्टूडेंट्स को जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जानने के लिए उन्हें पता होना चाहिए, उन सभी के बारे में वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।